जाएगा। चेन्नई वाले बोलते हैं इनको, चेन्नई चेन्नई में नहीं बोलने देते, वो हिंदी नहीं बोलने देते, वहाँ दिक्कत है ना। बिल्कुल, आप विद फैमिली रहते हैं या अकेले रहते हैं? नहीं, फैमिली भी पंजाब में रहते। अच्छा, आप यहाँ अकेले रहते हैं? नहीं, मेरा वाइफ का भाई रहता है। अच्छा, पहले इतना दिन के बाद हम खुल के किसी से बात कर रहे हैं। नहीं, और भी कहीं ब्रांच है क्या? आप वहीं से रहो, बचपन से वहीं से रहो? हाँ, मैंने मैं थोड़ा सिटी में रहते थे पहले, थोड़ा सा अभी बाहर इधर आ गए। हमारा बचपन वहीं नहीं है, सिटी के अंदर जलंधर पड़ता है वो। अभी तो बहुत ठंड होगा। इसके नाम ही कितने रखे हुए हैं। आप पहली बार यहाँ आ रहे हैं? नहीं, ये तो जब ओपनिंग हुआ था, ये मिनिस्टर की बेटी का होटल है। अच्छा, मिनिस्टर की बेटी का होटल है? हाँ, ये उसका होटल खोला हुआ है। कब खुला है ये? ये हो गया 2 साल होने वाला है। हेलो गाइस, तो आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आज कहाँ आई हूँ आप लोग को दिखाती हूँ, सैर कराती हूँ इस ब्लॉग में। तो कंटिन्यू रहना मेरे ब्लॉग पे और स्किप मत करना। और अभी मैं जस्ट पहुँची हूँ और सुबह ही निकली थी, ब्लॉग का टाइम नहीं मिला, तो अभी मैं शूट कर रही हूँ। और बहुत ही अच्छा है, वीकेंड वाइब्स बोल सकते हो। और बहुत ही अच्छा प्लेस पर आई हूँ, मैं आप लोग को दिखाती हूँ कहाँ पर आई हूँ। तो मेरे ब्लॉग कहीं मत जाना, यहीं रहना। हे गाइस, यहाँ पे बहुत ही लंबी लाइन है और बहुत ही कड़ी धूप है और मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके आई हूँ और ये मुझे लंबी लाइन देख के मेरी हालत ख़राब हो गई। यहाँ पे एक्चुअली एंट्री चार्ज लग रही थी, तो मेरा भाई यहाँ पे एंट्री चार्ज में लगा हुआ था, लाइन में लगा हुआ था मतलब। और ये यहाँ मुझे दिख गया बहुत ही बड़ी बहुत लंबी क्रिसमस ट्री, जो काफ़ी ही अट्रैक्टिव लुक लग रही थी और मैं इसे ब्लॉग में शूट भी कर लिया। दरअसल हम लोग का प्लान बहुत दिन से था यहाँ आने का, बहुत ही सुना हुआ था इस पब के बारे में, तो हम लोगों ने प्लान बना के आया। और मैं बता दूँ, ये घर से काफ़ी दूर है, मुझे 2 घंटे लगे, मुझे सुबह ही निकलना पड़ा गाइस। और मैं इस पर कैब से घूम रही हूँ, मेरे पति को फुर्सत नहीं थी हमें ड्रॉप करने की और उसे उन्हें टाइम भी नहीं था हम लोग को छोड़ने का। तो मैं और मेरा भाई दौड़ चले, मतलब निकल चले पब के लिए। और क्रिसमस का भी टाइम था, न्यू ईयर टाइम था और काफ़ी यहाँ पे रश था, बहुत ही भीड़ था, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था। और हम लोग का प्लान जो बना हुआ था, हम लोग ने सोचा चलो बहुत दिन से प्लान बनाया तो आज आते हैं। बहुत ही लग्जरी पब था, 5-स्टार पब है और ये मिनिस्टर की बेटी ने ओपनिंग किया है, कैब वाले भैया ने बताया अभी। और मैं बहुत दिनों से ये सोच रही हूँ इस पब में आने के लिए। और ये एयरपोर्ट के पास है, बहुत दूर है और अभी न्यू खुला है, तो आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, बहुत ही अच्छा है। आप लोग विज़िट करने ज़रूर जाना जो बैंगलोर में रहते हैं, क्योंकि मैं दोबारा यहाँ आऊँगी नहीं आऊँगी पता नहीं, फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और बहुत दूर है, आने जाने में ही हालत ख़राब हो जाएगा, आपको सुबह ही निकलना पड़ेगा, ऐसा सीन हो जाता है। और यहाँ पे बहुत ही बड़ा था, मतलब बहुत ही फैला हुआ था, बहुत ही लंबा पब है ये। और ऐसा पब तो वैसे बैंगलोर में बहुत सारे हैं, लेकिन ये थोड़ा यूनिक लग रहा था और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। मैं घूम भी नहीं पा रही थी और हम लोगों ने काफ़ी टाइम यहाँ स्पेंड किया, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। तो मेरे ये ब्लॉग में आप बने रहो और देखो मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ, क्या क्या करती हूँ। और ब्लॉग अच्छा लगे तो मैं हमेशा की तरह बोलती हूँ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और प्लीज़ ज़रूर कर देना। क्रिसमस का टाइम है और न्यू ईयर ही भी आ रहा है, आप एक लाइक कर दोगे तो मेरे लिए मैं वो समझूँगी क्रिसमस गिफ्ट या मैं न्यू ईयर गिफ्ट समझूँगी। अगर जो जो मुझे पसंद करते या नहीं करते तो कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपका मन, क्योंकि ब्लॉग में बहुत मेहनत लगती है और मैं ब्लॉग कम कर पाती हूँ, ज़्यादा शॉर्ट्स ही डालती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग को ब्लॉग दिखा दूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल पब है, आप ब्लॉग में देख ही सकते हो कितना सुंदर है। तो हमारे ब्लॉग में यूँ बने रहो और देखो मैं क्या क्या कर रही हूँ। साइरस तो बहुत मज़े में है और मैं भी मज़े में हूँ।
डांस कहाँ हो रहा है? डांस किधर हो रहा है? डांस नहीं हो रहा। साइरस, चीयर्स भी आ रहे हैं वो। आओ आओ, इधर 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 इधर। नहीं जाओ, उधर कुछ नहीं है। ओए, चीची है यहाँ पे, बक कर रहा है लड़का। कुछ खाना है कि नहीं? अभी टाइम है। ना, जाओ मामा के साथ खेलो, जाओ जाओ मामा के साथ खेलो। देखो मामा ब्लॉगिंग कर रहे हैं, देखो जाओ। साइरस देखो, सी मम्मा कहाँ है? साइरस सीधा बैठेगा तब तो। सीधे रहो, आज हम लोग जा रहे हैं, जा रहे हम लोग, बाय। अरे अरे आ जाओ नीचे। नहीं जाना उधर, उधर नहीं जाना है, उधर नहीं। अभी नहीं, रुको, चल रहे अभी, रुको। अरे बेटा गिर जा। अरे अरे अरे, कुछ छूटा नहीं ना? अरे संभल के, सीढ़ी थोड़ा डेंजर है। बेटा एक मिनट, एक मिनट।
चलो ज्यादा बदमाशी नहीं करता ये। पब घूमने के बाद हम लोग आ गए हैं मॉल ऑफ एशिया, जो बैंगलोर एयरपोर्ट के पास न्यू ओपन हुआ है ये मॉल। और इस मॉल के बारे में हमने बहुत कुछ सुना था, इसलिए हम लोग यहाँ भी आ गए विज़िट करने के लिए। तो यहाँ पे हो रहा था क्रिसमस डांस और बहुत ही ज़बरदस्त डांस हो रहा था, क्योंकि ये न्यू मॉल ओपन हुआ है और बहुत ही लग्जरियस मॉल है ये, आपको अंदर जाके पता चलेगा। तो चलते हैं फिर इस मॉल का नज़ारा लेते हैं। और हम लोगों ने बहुत ही फ़न किया, बहुत ही इंजॉय किया और बहुत ही अच्छा रहा हम लोग का क्रिसमस पार्टी। हम लोग इस मॉल में घूमे शॉपिंग किए और फिर बहुत सारा मस्ती किए। साइरस ने भी बहुत सारा इंजॉयमेंट किया यहाँ पे और बहुत ही सुंदर था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। आप अंदर जाके बोलोगे वाओ कहाँ आ गए, इतना ये यूनिक था, आप खुद ही देख लो मैं क्या बोलूँ। ऊपर से ज़्यादा बेटर आएगा, ऊपर चलो ऊपर। किधर जा रहे हो? क्रिसमस ट्री उधर है ना, उधर था ना।
तो आप लोग को कैसा लगा ये मॉल? मॉल ऑफ एशिया फिनिक्स मॉल नाम है जिसका, और इसका उद्घाटन अभी न्यू हुआ है बैंगलोर में, सेकंड फिनिक्स मॉल ऑफ एशिया का। कैसा लगा आपको ये मॉल? लग्जरी था ना। और ये है क्रिसमस ट्री जो अभी अभी लॉन्च हुआ है और सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री बोला जा रहा है, बैंगलोर का सबसे बिगेस्ट ट्री बोला जा रहा है। और इस मॉल में एंट्री सबसे लिया गया था फेस 200। मैंने पहली बार बैंगलोर में 200 रुपये दिए हैं मॉल में एंट्री के लिए, जो मुझे भी बेकार लगा और ये होना नहीं चाहिए था एक्चुअली में। ये बहुत ही बेकार सिस्टम है पैसे हटने का, मॉल में कौन चार्ज करता है भाई, मुझे नहीं पता। बट मैंने दिया क्योंकि हम लोग बहुत दूर से यहाँ पे आए थे इस मॉल को देखने के लिए, इस पब को देखने के लिए, इंजॉय करने के लिए। और ये यहाँ पे था वाटरफॉल जो कलरफुल था, बहुत ही ब्यूटीफुल था, आप इस ब्लॉग में देख सकते हो, बहुत ही सुंदर लग्जरी था ये। तो हम लोग ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, हम लोग ने बहुत फ़न किया, बहुत इंजॉय किया, शॉपिंग किया, और हम लोग को 2 घंटे ट्रैवल करके घर जाना, तो हम लोग ने सोचा अब चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ये मेरा ब्लॉग भाई ब्लॉग कर रहा था, वो भी अपना ब्लॉगिंग करता है। तो अब हम लोग मिलेंगे अब गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत रात हो गई है। ठीक है गाइज, गुड नाइट, टेक केयर और हैप्पी न्यू ईयर। 24 आने वाला है, आप लोग का दिन अच्छा हो, न्यू ईयर अच्छा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।